नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रोहित शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म सर्कस, जो कि 23 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज की जा रही है, काफी मच हाइप्ड मच क्रेज्ड फिल्म है। इसका काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, काफी क्रेज है लोगों में, क्योंकि दोस्तों रोहित शेट्टी जब फिल्म बनाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि फिल्म के हीरो कौन है, एक्ट्रेस कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी बड़ा हीरो हो या कितना भी छोटा हीरो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोहित शेट्टी अपने आप में एक हीरो है। क्योंकि जब वो फिल्म बनाते हैं तो उनकी फिल्म में मास एंटरटेनमेंट के सारे फार्मूले भरे होते हैं, और वो उनकी फिल्म में दर्शकों का मनोरंजन करने में करीब करीब सफल रहती है। उनकी सफलता का रिकॉर्ड भी अन्य सभी निर्देशकों से काफी ज्यादा है, बहुत हाई है। तो इसमें रणवीर सिंह है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रणवीर सिंह है या अक्षय कुमार है या फिर शाहरुख खान है या फिर आमिर खान है या फिर अजय देवगन है, कोई भी कलाकार से फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है। रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं तो रोहित शेट्टी की फिल्म ही ये मानी जाती है। रोहित शेट्टी किसी फ्लॉप स्टार को भी बहुत बड़ा स्टार बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो रोहित शेट्टी के नाम से ये फिल्म चलने वाली है। तो कल से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, और मैं आपको एडवांस बुकिंग रिपोर्ट 1 में ये जानकारी देने वाला हूँ कि कल रात तक ये फिल्म कितनी एडवांस बुकिंग प्राप्त कर चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सर्कस फिल्म को करीब करीब 26.66 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग पूरे देश भर से विदाउट ब्लॉक सीट्स प्राप्त हो चुकी है। और दोस्तों, इसके अब तक करीब 10,405 टिकट्स बेचे जा चुके हैं, और इसकी जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 267 रुपीज के आसपास है। दोस्तों, जहां तक मुंबई की बात करें, मुंबई में 6% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 222 शो है, एक भी शो हाउसफुल नहीं है, 10 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 5% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 299 शोज है, एक भी शो हाउसफुल नहीं है, 5 शो फास्ट फिलिंग है। पुणे की बात करें, 5% थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 87 शोज, 9 हाउसफुल, 9 फास्ट फिलिंग। बेंगलुरु की बात करें, 7% थिएटर ऑक्यूपेंसी, 65 शो, कोई भी हाउसफुल नहीं, कोई भी फास्ट फिलिंग नहीं। हैदराबाद की बात करें, 16% थिएटर ऑक्यूपेंसी, 70 शोज में से 3 शो हाउसफुल और 15 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों, बात करें चेन्नई की, 22% थिएटर ऑक्यूपेंसी है, लेकिन शो केवल 30 है, 4 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 12 शो फास्ट फिलिंग है। मतलब कि अभी थिएटर ऑक्यूपेंसी ज्यादा अच्छी नहीं है, एडवांस बुकिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक एडवांस बुकिंग है। 27 लाख रुपए मानिए आप, इतनी ही एडवांस बुकिंग अभी तक प्राप्त हुई है। लेकिन चूंकि ये पहला दिन था, धीरे धीरे हो सकता है कि फिल्म स्पीड पकड़े और अच्छी खासी एडवांस बुकिंग प्राप्त करे। अब देखने वाली बात होगी कि रोहित शेट्टी की ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है। हालांकि फिल्म का ट्रेलर को उतनी ज्यादा प्रशंसा नहीं मिली है, ना ही टीजर को ज्यादा पसंद किया गया है, न ट्रेलर ज्यादा पसंद किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म कितना बड़ा हंगामा बॉक्स ऑफिस कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। फिलहाल इसकी एडवांस बुकिंग पहले दिन की करीब 27 लाख रुपए के आसपास है, जिसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।